चाचा ओए आप नहीं, आप हम पे कुछ चला रहे कि इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे अंकल? हर कोई देखो ये बोलता है स्पीड चल रहा हूँ, ठुकी गए थे अंकल, ठुकी गए थे, बस लास्ट में ब्रेक। हाँ एक सौ तीस गाइस हम इसको सेल कर दें। अरे भाई आप गई बाइक अपनी फायर फ्लाई को जो है सेल कर दें भाई, अपनी मोटो जीप वाली रोड पे है बट आज हमारे पास बाइक नहीं है, न इंडिकेटर दे रखे आप भाई, हम कार के अंदर मोटो ब्लॉक कर रहे हैं, हमारे पास एक बाबा आदम की जमाने की गाड़ी भी है। और तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू द चैनल। मेरे गाइस आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। जैसे कि आपको बताए भाई कुछ दिनों से ना हमारे पास हमारी आरा 310 नहीं है, और आपको बता दूं ना फाइनली हमारी फायर फ्लाई जो है वापस आ चुकी है, है अपना बच्चा छोटू लुलु लुलु लुलु। फाइनली गाइस हमारी धन्नो इज बैक। आज के ब्लॉग में हम थोड़ा कुछ बात करने वाले, आपसे कुछ बताने वाला हूं, इमोशनल ब्लॉग होने वाला, थोड़ा सा कनेक्टिंग ब्लॉग होने वाला गाइस। शायद से हम अपनी आरा 310 को, अपनी फायर फ्लाई को जो है सेल कर दें। क्यों सेल करेंगे, कौन सी नई बाइक लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या सीन हो गया, सारी की सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। तो बने इस ब्लॉग में अभी 80% फिक्स है कि शायद हम कुछ दिनों में इसको सेल कर दें, विद इन अ मंथ हम इसको डेफिनेटली सेल कर देंगे। ऐसे गाइस आज हमारी इस फायर फ्लाई में लास्ट राइड भी हो सकती है भाई, आज इसमें एक लास्ट राइड करेंगे, भगाएंगे भी इसको, थोड़ा ऑफ रोड भी करेंगे, साथ में आज आपको एक स्पेशल चीज भी दिखाने वाले, आज हम एक स्पेशल चीज को राइड करने वाले, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो यार गाइस यहाँ पे रही अपनी जान में थोड़ा गंदी और की अलग बात है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये हमने किया गाइस स्टार्ट, फाइनली अपनी राम प्यारी जो स्टार्ट हो चुकी है, अभी इसको राइड करते हैं और सारी बातें आपको बताता हूँ भाई, क्या सीन है क्या नहीं है। फाइनली यार आ गए अभी मार्केट में, और अभी गाइस यहाँ से मुझे जाना है कनप्राग, एक्चुअली एक पार्सल आया ना मेरा, इसलिए मुझे उसको लेने जाना पड़ेगा। यार मैंने आपको बताया देखिए भाई शायद से जल्दी हमारी ये फायर फ्लाई जाने वाली है, जल्दी हम इसको सेल कर देंगे शायद से। अरे चाचा ओए आप हमको बोल रहे फिर आप नहीं, आप हम पे क्यों चला रहे कि इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हैं अंकल? स्पीड स्पीड मत बोला करो ना अंकल, ये थोड़ा ना कि बाइक तो स्पीड ही में चल रहे होंगे। हर कोई देखो ये बोलता है स्पीड चल रहे हो, ठुकी गया था अंकल, ठुकी गए थे, बस लास्ट में ब्रेकिंग लगी है। इंडिकेटर दे रखे आप, फिर आप पहली नहीं अंकल, मैंने वो नहीं बोल रहा, गलती होती ना तो मान लेना चाहे, आप हम ही पे चला रहे कि तेज चल रहे हैं, ये हर किसी की मेंटेलिटी हो रही है कि यही बोलने पे लगे तेज चल रहे हैं बाइक अंकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सिर्फ 50 या 60 की स्पीड में था, और अंकल एकदम से राइट टर्न लेते हैं, ना ही इंडिकेटर देते हैं, ना ही पीछे देखते हैं। और यहाँ पे गाइस जो पैनिक ब्रेकिंग हुई ना वो सिर्फ मेरे को पता है, मतलब अगर एकदम नॉन एबीएस बाइक होती ना तो यहाँ पे डेफिनेटली टायर स्कीड होना था, जो यहाँ पे ब्रेकिंग हुई ना वो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ भाई। और अगर मेरे पास कैमरा नहीं होता ना और बाई चांस यहाँ पे ठुक जाते तो डेफिनेटली वहाँ पे सब लोग मेरे को बोलते, क्योंकि बाइकर ही कोई बोलता जाता है हर जगह। और मैं अंकल को कुछ बोलता भी नहीं, अंकल ने स्टार्टिंग में बोला कि तेज चल रहा और हट बोला, अगर अंकल ये चीज़ नहीं बोलते कि तेज चल रहा वहाँ पर सीधा निकल जाता, बिकॉज यार मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ, मेरे पापा की उम्र के थे, बट जो भी वहाँ पे सॉल्व हो गया था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप देखो ना गाइस, मतलब मैं ऑलमोस्ट 50-60 की स्पीड में था, ये हाईवे है भाई, कोई गली की रोड नहीं है। लास्ट टाइम में अंकल राइट टर्न ले रहे हैं, मम्मी को बोल रहे कि हम तेज चल रहे हैं, अगर बाई चांस यहाँ पे ठुक जाती ना भाई तो सारे लोग ना मेरे सिर पे बैठते कि मैं तेज चल रहा था, ये तेज चल रहा था। तो भयंकर एक बाइकर को ना लोग ऐसे करते हैं भयंकर। देखते हैं गाइस अभी क्या सीन होता है, हम इसको बेचते हैं नहीं बेचते हैं। यार एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ ना ऐसे होती है, अगर कुछ चीज चाहिए ना तो कुछ चीज जाना ही पड़ता है, लोगों को अगर एक नई बाइक खरीदे तो पुरानी बेचनी पड़ती है भयंकर। फाइनली यार आ गए कनप्रयाग गाइस, आएगा इस रामला चल रही है, बाइक का सीन क्लियर हो जाए तो आपको रेगुलर ब्लॉग मिलेंगे। A few moments later. गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई आज आपको एक स्पेशल चीज भी दिखाने वाला हूं, स्पेशल चीज को हम चलाने वाले हैं, अभी टाइम आ चुका है भाई उस स्पेशल चीज को चलाने का। ये आप देख सकते हो भाई हमारी बाबा आदम की जमाने की गाड़ी, आपको बताने की हमारे पास एक बाबा आदम की जमाने की गाड़ी भी है, और मेरे को कार चलाने भी आती है, BMW या ऑडी वगैरह तो नहीं है कि मैं दिखाऊंगा ब्लॉग में, एक टाइप की लेजेंडरी कार है 2010 से हमारे पास है, एंड पापा की है। भाई दिल्ली का आज भाई निकल गए हम कार लेके, और आज भाई हम कार के अंदर हेलमेट पहन रखा है, क्या ही सीन है भाई। और यहाँ पे भाई हमारे साथ हमारी 310 भी है, हमने कार में हेलमेट पहन रखा और सामने वाले ने बाइक में नहीं पहन रखा। गाइस अपनी फायर फ्लाई यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, और आज भाई हम कार के अंदर मोटर ब्लॉक कर रहे हैं एकदम फुल पावर, छोटी सी ड्राइव भी करेंगे, छोटी सी राइड भी करेंगे, इसलिए 310 भी आ रही है भाई पीछे से एकदम। और ये गई भाई आगे 310 अपनी, मारते गाइस एक लीन थोड़ा। गाइस आप मौसम में देख सकते हो भाई एकदम बारिश वाला हो रखा है भाई, अपनी मोटो जीप वाली रोड पे है बट आज हमारे पास बाइक नहीं है, और ये पता नहीं क्या खुल गया सामने से भाई, आगे से वही खुल गया वाइपर, इसको करते हैं बंद। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े शहर में छोटे मोटे बातें होती रहती है। हम अपने स्पीड टेस्ट वाले पॉइंट पे बस थोड़ा ड्रैग करेंगे, ठीक है उधर वाली लाइन पे चल जाए जब कोई गाड़ी ना आ रही हो। तो गाइस यहाँ पे एक ड्रैग करते हैं भाई 310 और ऑल्टो की, 300 cc और ये 800 cc, तीन हॉर्न मारूंगा ठीक है। अरे ये तो बाइक जीत गई क्या, मैं चल ले। अरे भाई अब गई बाइक, मेरे को लगा कि भाई बाइक कैसे, मेरे को बोला बाइक कैसे हार सकती है भाई,
सही से खींची थी भाई स्टार्टिंग में। 2010 का मॉडल, मतलब इस गाड़ी को ना अराउंड 10 साल हो चुके हैं। बाबा आदम के जमाने की गाड़ी है एकदम, खींचते है भाई। अरे भाई फुल पावर चल गए हैं भाई, आगे थोड़ा स्पीड कम कर लेते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, ये रही हमारे बाबा आदम की जमाने की गाड़ी। 10 साल हो चुके हैं भाई इसको, और अभी हम आ चुके हैं अपने स्पीड वाले पॉइंट पे। अभी गाइस हम आ चुके हैं अपनी 310 पे एकदम फुल पावर। अपना स्पीड पॉइंट है, दिखाते हैं भाई आपको 310 के चलवे। ऐसे गाइस हम इसको सेल करते हैं, आपको मैंने बताई दिया है 2021 मॉडल अगस्त का। अगर लेना चाहते तो भाई मेरे को जरूर बताना। तो अभी आपको थोड़ा भगा के दिखाते हैं भाई कैसी है, भक्ति है वगैरह वगैरह। तो भाई थोड़ा भगाते हैं इसको, मे बी लास्ट टाइम भी हो सकता है। चले गई एक बार वापस, पहले कह रहा 56, दूसरा 82, तीसरा 103 यहाँ पे। तो गाइस आपने देख ही लिया भाई क्या सीन था, हमने आपको एक अपनी खतरनाक चीज भी दिखाई। तो पसंद है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।